कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पैंसा थाना इलाके में एक मोहब्बत ऐसी परवान चढ़ी जो इन दिनों सबकी जुबान पर है। ये अनोखी मोहब्बत किसी युवक और युवती के बीच नहीं बल्कि दो लड़कियों के बीच की है। जी हाँ, एक दूजे के प्रेम में दीवानी हुई दो युवतियों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों युवतियां घर से भाग गईं और फिर दोनों युवतियों ने हल्फनामा के जरिए समलैंगिक विवाह कर लिया। बताया जा रहा है कि मोहब्बतपुर पैंसा इलाके में रहने वाली एक किशोरी हाईस्कूल की छात्रा है। किशोरी स्कूल में पढ़ाई करती है। इस दौरान वो पास ही संचालित ब्यूटी पार्लर की संचालिका के संपर्क में आ गई। 18 साल की ब्यूटी पार्लर संचालिका पैंट शर्ट पहनती है और लड़कों के जैसे बाल रखती है। उसका हाव भाव लड़कों के जैसा है। फतेहपुर जिले के धाता इलाके की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका और किशोरी के बीच धीरे धीरे समलैंगिक मोहब्बत परवान चढ़ी। दोनों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे के साथ ही जिंदगी गुजारेंगी और फिर दोनों अपने घर से भाग निकली। वहीं किशोरी के गायब होने के बाद उसके भाई ने मोहब्बतपुर पैंसा थाने में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस अनोखे मामले के खुलासे के लिए पुलिस सक्रिय हुई और दोनों लड़कियों को महेवा घाट थाना इलाके से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दोनों गैर जनपद भागने के लिए साधन का इंतजार कर रही थीं। जिसके बाद पुलिस दोनों युवतियों को थाने ले आई जहां पर ब्यूटी पार्लर संचालिका ने किशोरी के साथ समलैंगिक विवाह किए जाने का हल्फनामा दिखाया। लेकिन पुलिस ने युवती द्वारा दिखाए गए हल्फनामे की जांच की तो वो फर्जी निकला। पैंसा थाने में एक 16 साल की लड़की को अपहरण का मुकदमा लिखा गया था अभी पिछले 27 तारीख को। ये लड़की एक लड़की ही है, उसके साथ गई हुई थी। इसकी बरामदगी की गई है, इनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो लड़की ले गई है इसने ये बताया है कि हम लोगों ने एक समलैंगिक विवाह किया है, लेकिन इस बात की हम पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और हम पुष्टि कर रहे हैं और पूछताछ इससे चल रही है। कुछ हल्फनामा वगैरह पेश किया क्या उससे? एक एफिडेविट दिया है जिसमें दस्तखत हैं और उसमें एक समलैंगिक शादी की बात आई है, अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी जानकारी दोनों युवतियों के परिजनों को दी। इसके साथ ही पुलिस ने युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों युवतियों को न्यायालय में पेश करने के बाद नारी निकेतन भेजे जाने की बात कही जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से शिवनंदन साहू की रिपोर्ट।